एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई हम बैठे हैं टाटा सफारी फेसलिफ्ट मॉडल में डार्क एडिशन के अंदर। क्या जबरदस्त प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है भाई। आज हम इसका करने वाले एक छोटा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिव्यू। इसमें हम कवर करेंगे कि कैसा एवरेज, कैसा पंच मिलता है गाड़ी में देखने को, और क्या क्या कुछ और क्या क्या छोटे मोटे फीचर्स हमें मिल जाते हैं जो कि हमारा कम्फर्ट ड्राइविंग जोन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा भाई। अब देखो, सबसे पहले इस गाड़ी में ना एक सबसे अच्छी मैं बात करूँ क्या, इससे एक राइवलरी कॉम्पिटिटर है हमारे XUV700 और हमारे भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ठीक है, अब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से भाई इसमें आपको वेट और लेंथ थोड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना टाटा सफारी के अंदर, और यहाँ से एकदम उतरते ही महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में जाओगे, तो एकदम आपको ऐसा फील होगा कि यार हाँ यार लिटरली उसमें जब स्कॉर्पियो में बैठोगे तो अंदर से आपको स्पेशियस थोड़ी कम फील होगी। बाकी आप देख रहे हो भाई क्या जबरदस्त लुक है इंटीरियर की, एकदम खतरनाक। तो उसके अंदर ना आपको स्पेस थोड़ा कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू टाटा सफारी। एंड देखो इंजन स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, डीजल वेरिएंट है हमारा टाटा सफारी, तो मतलब 19-20 का फर्क है, इतना भी ज्यादा कोई आपको चीज देखने को एक्स्ट्रा नहीं मिलती है उसके अंदर। लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो में ना भाई आपको एक बेसिक सी थीम मिलती है, उससे अगर मैं बेटर बताऊं तो भाई टाटा सफारी तो बहुत ही अलग है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो। जमीन आसमान का फर्क है भाई, और काफी अच्छे खासे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अब इसके पहले मैं तो आपको बात करूं व्यूइंग एंगल की, तो भाई व्यूइंग एंगल है बहुत जबरदस्त। आप देख सकते हैं बोनेट सामने का कितना बढ़िया विजिबल है, और ORVMs की प्लेसमेंट, IRVM की प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। हालांकि मुझे शिकायत रहती थी टाटा से कि भाई उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम ना थोड़ा सा टाटा पंच वगैरह में जो यहाँ पे प्लेस है मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट भाई ये जो प्लेस करा है ना, मतलब आपको मैं दिखा सकता हूँ ये, जैसे कि आप देखेंगे ना डैशबोर्ड का ऊपर का जो लुक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नीचे का स्पेस बना के वहाँ पे एक छोटी सी जैसे LCD लगती है वैसी ये फील कराती है आपको, तो आगे का व्यूइंग एंगल बिल्कुल भी खराब नहीं करती है। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इंफोटेनमेंट सिस्टम की। और बात करें भाई इसके एम्बियंस की, तो देखो बहुत जबरदस्त एम्बियंस मिल जाता है, और पैनोरमिक सनरूफ मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, सेफ्टी फीचर्स भी काफी अच्छे खासे हमें इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। और जो टर्निंग रेडियस है ना भाई, टर्निंग रेडियस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, छोटी से छोटी जगह पे भी भाई गाड़ी आपकी टर्न हो जाती है, तो टर्निंग रेडियस तो भाई मुझे बहुत कमाल का लगा गाड़ी का। और सबसे अच्छी चीज़ क्या भाई, जैसे फॉर्च्यून वगैरह में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, एक ही उंगली से आप घुमा सकते हैं। हालांकि जो इसका भाई ये बटन्स हैं, ये मुझे इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लगता है कहीं गलती से जिस दिन मेरा हाथ यहाँ पे रिजिड तरीके से आ गया ना, किसी भी रीज़न से मेरा हाथ थोड़ा टाइट लग गया है यहाँ पे, तो हमारे बटन्स बाहर आ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी क्वालिटी और अच्छी देनी चाहिए थी, जिससे कि भाई मतलब ऐसा फील होता रहता बार बार कि कुछ मैंने ज़्यादा हार्ड प्रेस कर दिया, कुछ ऐसा या पुल कर दिया तो ये स्विचेस बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इसमें लगा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है टाटा की तरफ से, बट यार जो कॉम्प्रोमाइज़ भी किया गया ना वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ग्लिचेस कभी चल जाता है मैप इसके अंदर का, अभी तक तो एक ही बार हुआ है कि नहीं चला, लेकिन अब जब से भाई खराब हुआ था एक बारी के अंदर, जब से खराब हुआ था लेकिन उससे अभी तक तो भाई जब से चल ही रहा है कोई भी इशू नहीं आ रहा, और बहुत ज़बरदस्त लगती है भाई गाड़ी। आप देख रहे हो एक बार इंटीरियर देखो गाड़ी का, क्या मैसिव लुक आती है अंदर से, एकदम बोल्ड और चौड़ी लुक गाड़ी। ठीक है, तो फॉर्च्यूनर से भी हालांकि ये भाई विड्थ में चौड़ी है। अब सबसे एक मेजर नहीं बल्कि माइनर से ही मैं इसमें बोलूंगा कि जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती है ना भाई, वो इसकी हाइट में आती है, 1-2 इंच जो सफारी डाइकोर की थी ना, जैसे सफारी स्ट्रॉम की है, अगर वैसी भी हो जाती ना तो वो भी भाई मज़ा बना देती है गाड़ी। और सबसे अलग क्या भाई, हमें इसमें जो सिटिंग कम्फर्ट है ना बहुत ज़बरदस्त मिल जाता है, सिटिंग कम्फर्ट तो इतना ज़बरदस्त मिल जाता है कि इसमें आपको जो कुशनिंग है बहुत लॉन्ग ट्रिप आप इजिली ही कवर कर सकते हैं। आज ही भाई आप देखेंगे स्पीडोमीटर देखिए, ये चल गया 2200, ये था अभी 1900 आज समथिंग, आज मैं 300 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ एक दिन में, और अभी तक मैं बिल्कुल भी भाई थका नहीं हूँ। राइड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, जो बॉडी रोल है ना, बॉडी रोल भी इतना फील नहीं होता। एंड भाई इसकी सस्पेंशन की बात की जाए तो भाई सस्पेंशन क्या लाजवाब है, मर्क्यूरी सस्पेंशन है, 192 की स्पीड मैंने टच कर दी थी, हालांकि और मैं पुश करना चाह रहा था बट मुझे लग रहा था कि 200 तो भाई शायद टच कर जाए ये गाड़ी, लेकिन मैंने 192 लास्ट में टच कर दी है गाड़ी, और मैंने भी भाई होशो आवाज में अच्छे से चारों तरफ जो कोई नहीं था वहाँ पे हाईवे पे टच करी है, तो क्या भाई सस्पेंशन ट्रैवल है गाड़ी का, लिटरली मैं फैन हो गया, और बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन ट्रैवल है, कहीं भी आपको वाइब्रेशन जैसी स्टीयरिंग में कुछ फील नहीं होगी, नॉइज़ भी नहीं आती अब इंजन की आपको, और अंदर से जो भाई NVH लेवल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हालांकि अब हमें पता है कि भाई इंडिया में बहुत ही
जबरदस्त लोहा यूज होता है, इंडिया की नंबर वन सेफेस्ट एसयूवी है, तो उसकी वजह से भाई हमें इसमें एनवीएच लेवल्स बहुत जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। और क्या भाई अंदर का, तो अगर जो लुक है ना इंटीरियर का, बस देखते रहो निहारते रहो, ऐसा जबरदस्त है। और यहाँ पे आप देखो ब्लैक ग्लॉसी के अंदर टच पैनल आपको देखने को मिल जाता है। तो यार सस्पेंशन ट्रेवल बहुत जबरदस्त है गाड़ी का। मैनुअल में आपको मोड्स मिल जाते हैं, मोड्स में आपको भी दिखाता हूँ जैसे थोड़ा ट्रैफिक खुलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके एवरेज की बात करूँ, सबको लोगों को भाई जानना है कि एवरेज क्या दे रही है अभी तक गाड़ी मेरी। देखो अभी तक मैंने लोकल में चलाई है, हाईवे में मेरी चली नहीं है, तो मुझे भाई 10 से 12 के बीच ही अभी दे रही है। और हालांकि जब 10,000 किलोमीटर चल जाएगी तो आप मान के चलिए लोकल में तो भाई 12 से 14 के बीच गाड़ी दे ही देगी। और हाईवेज में भाई मुझे, हालांकि जो मेरे दोस्तों ने बताया उनके पास भी टाटा सफारी फेसलिफ्ट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ने भाई 16-17 का हाईवे पे माइलेज दे दिया है। तो भाई ये मैं एज्यूम करता हूँ कि शायद मुझे 18 से 20 का भी दे दे अगर हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड में 80 की स्पीड में इसे लॉन्ग रन में कवर करें। तो माइलेज बहुत अच्छा है, रिफाइनमेंट है इंजन में, काफ़ी अच्छा टाटा की तरफ से वर्क हुआ है गाड़ी के अंदर। और टाटा सफारी जो डाइकोर थी आज से 12-14 साल पहले जो आई थी, डाइकोर जो आई थी, तो उसमें भाई जमीन आसमान का फर्क डालती है अब टाटा सफारी के अंदर। बहुत ज़बरदस्त राइड क्वालिटी है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज है, फीचर्स लाजवाब हैं, लुक्स बहुत अच्छी हैं। और गाड़ी में मेन क्या चीज़ होती है भाई कि आपकी, सब लोग यही सोचते हैं कि एक तो भाई हमें लुक्स मिलनी चाहिए, फीचर्स भी लोग इतना ही देखते हैं जितना राइडिंग क्वालिटी और एवरेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखो भाई, और मेंटेनेंस कॉस्टिंग अगर आप बात करेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्टिंग तो देखो यार इस गाड़ी की है, वो इसी गाड़ी की नहीं, वो हर गाड़ी, सॉरी वो इसी में ही नहीं, वो पहले से ही ना भाई टाटा की तरफ से हमारे पास जाइकोर भी थी पहले, तो उसकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट अच्छी खासी आ जाती थी। तो आप ये मत सोचना कि यार कि टाटा की गाड़ियाँ सिर्फ हम उसको एक बेसिस पर जज करें जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी ब्रांड गाड़ी ऐसी ले रहे हो जो इंटरनेशनल ब्रांड है जैसे BM, Merc, तो उसमें ना भाई आपको सर्विसेज इतनी ज़्यादा देखने को मिलती हैं जो कि इसमें पार्ट्स क्या इतने की गाड़ी भी आ जाती हैं, उन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इतने लग्जरी फीचर्स भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें कहीं ना कहीं भाई इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, सर्विसिंग की भी, और अगर कुछ हमारा फीचर में या कोई पार्ट खराब हो गया तो उसके लिए भी, ठीक है। तो बाकी भाई बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर है। अब इसमें हमें मोड्स मिल जाते हैं भाई, वेट मोड, रफ मोड, सिटी मोड, इकोनॉमी मोड एंड स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड में गाड़ी बहुत ज़बरदस्त पिकअप लेती है, बहुत ज़बरदस्त पंच मिलता है। और सबसे अच्छी क्या चीज़ भाई, इसके जो अब इंजन की साउंड है ना, ऐसी आती है कि भाई कोई हम स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्त फील करना। तो आई गेस आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा, और भाई जो एग्जॉस्ट साउंड आती है ना इस गाड़ी की, स्पोर्ट मोड में ही आती है ये वाली, इकोनॉमी में चलाओगे तो इतनी आपको एग्जॉस्ट साउंड नहीं देखने को मिलेगी। जो साउंड आती है, ओए होए होए, मन करता है कि और भगाया जाओ, साउंड कानों को बहुत अच्छी लगती है, मतलब कानों में बसती रहे वो तो बहुत ही अच्छा भाई पंच है। स्पोर्ट्स में तो गाड़ी पगला जाती है, ये बस भाई भागती रहती है, रुकती नहीं है। स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा पंच देखने को मिल जाता है, हालांकि माइलेज भाई वहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, माइलेज हो जाएगा ड्रॉप, तो उसके लिए हमेशा भाई इकोनॉमी मोड लगाओ और बहुत अच्छा उसमें आपको एवरेज गाड़ी निकाल के देगी, या सिटी मोड में आप चला सकते हैं, सबसे अच्छा तो भाई इकोनॉमी मोड है। बाकी अब आप मुझसे कहेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वैल्यू फॉर मनी है। मेंटेनेंस कॉस्ट एस बी नो की सबको पता भाई टाटा की इसी में ही नहीं है, वो बहुत पहले से है, जब से गाड़ी आ रखी है ना टाटा की, तो उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिल जाती है। और मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी भी नहीं है कि जो भाई हाइप बना रखा है लोगों ने, ठीक है, जो भाई टाटा की गाड़ियां चला रहे हैं, हमने भी चलाई है सफारी डाइकोर, भाई 2-2 लाख किलोमीटर चलाई है, उसको मेंटेन रखा है गाड़ी को, और अब ली है भाई गाड़ी तो मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी। अगर मान के चलो मारुति या कोई भी हम गाड़ी लेते हैं, जैसे ह्यूंडई अल्काज़ार है, मैंने जो पहले चलाई थी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भाई हर सर्विसिंग वो 15-20 हज़ार की होती थी, ठीक है, तो अब इसकी भी सेम शायद उससे ही कम होगी। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टाटा में मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिलती है, ह्यूंडई में भी मिलती है। अगर आप ब्रांड वैल्यू पे जाओगे, एक अच्छी खासी बड़ी लग्जरी गाड़ी लोगे, तो उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देखने को मिलेगी। तो इस बात को लेके भाई कोई हाइप मत बनाया करो यार कि टाटा की गाड़ियां में मेंटेनेंस कॉस्ट हमें ज़्यादा मिलती है, एक ही हाइप बना रखे लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता क्या टाटा की गाड़ियों से प्रॉब्लम है। हालांकि टाटा भी चलाई है मैंने, ह्यूंडई भी, मारुति भी, सारी गाड़ियां चला रखी हैं भाई, तो ये सब भाई हाइप बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है भाई टाटा की ये वाली, और सारी गाड़ी भाई, ठीक है, अच्छे से चलाओगे, अच्छे से हर टाइमली सर्विस कराओगे, सब चीज़ अपडेट कराओगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी
मुझे ऐसा फील होता है, बाकी मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों का ओपिनियन जो भी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर शेयर जरूर करना। यही थी आज की हमारी छोटी सी एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस रिव्यू, बाकी इसका मैंने एक डिटेल रिव्यू लाने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली में हमें इसका एवरेज देखने को मिलता है, फ्यूल टैंक फुल कराएंगे और एक ट्रिप पर निकलेंगे उसमें देखते हैं कि हमारी गाड़ी मोड्स में डिफरेंट मोड्स में क्या एवरेज देखने को मिलता है, एसी ऑन रखेंगे और हर चीज में हमें कैसा कैसा इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सर्वे शेयर जरूर करना, इतना हो सकता है कमेंट करके बताओ कि आपके पास टाटा सफारी फेसलिफ्ट है तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और जिनके पास नहीं है तो भाई आप वो लेना पसंद करोगे या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।